कैसे हैं आप सब। और आज हम डेली न्यूज एनालिसिस में इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को लेंगे। और आज से एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे जो प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम हर रोज द हिंदू की एनालिसिस तो करते हैं, पर कुछ आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे आते हैं जिनको हम मिस नहीं कर सकते, उनको लेके चलेंगे। और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और काफी हेल्पफुल भी रहेगा। तो शुरू करते हैं मेन आर्टिकल से। चार आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे प्री और मेंस के एस्पेक्ट से। तो पहला आर्टिकल है हमारा ट्रांस फैट को लेकर के, WHO ने जो वार्निंग दी है और हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रांस फैट के बारे में। प्री में पूछा भी गया है ये पहले, तो इम्पोर्टेंट बनेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने में एक नया क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया है जेंडर गैप रिपोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि स्मृति ईरानी ने इसको हाईलाइट किया था डावोस में और वहां से इसको अप्रूव किया गया है। तो वो क्राइटेरिया देखेंगे समझेंगे। उसके साथ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए एक आर्टिकल है जिसको हम समझेंगे प्री के पर्पज से। और फिर चौथा है इम्यून इम्प्रिंटिंग। इम्यून इम्प्रिंटिंग भी अपने आप में एक नई चीज है जिसको हम प्री के पर्पज से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से कि WHO ने वॉर्न किया है कि 5 मिलियन लोग आर स्टिल अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रांस फैट्स एंड कैन हैव हार्ट डिजीज। सो जो नंबर्स हैं हार्ट डिजीजेस के हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और उसके पीछे जो रीजन लिया जा रहा है जो WHO कह रहा है, दैट इज ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट को समझते हैं क्या एक्चुअली। तो अगर हम नट चलने बात करें तो जो चीजें तली भुनी चीजों में अधिकतर ट्रांस फैट होता है, चिप्स हो गए और फ्रेंच फ्राइज हो गए, और तली भुनी चीजों में ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ते हैं, इसीलिए हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। WHO स्टेटस रिपोर्ट प्रेजेंट्स हाउ सम कंट्रीज आर स्टिल शॉर्ट ऑफ 2023 टारगेट, और 2022 के टारगेट को 23 पे टारगेट बना दिया गया था कि हम लोग सारे देश मिल करके ये जो ट्रांस फैट का जो प्रॉब्लम है इसको कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएंगे। तो वो अभी 2023 का जो टारगेट है उसको देशों के सामने प्रेजेंट किया गया है कि हम अभी भी इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 5 लाख प्री मेच्योर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कोरोनरी हार्ट डिजीजे से बनती है। क्योंकि तो ये सारा जो तला भुना खाना है जिसपे ट्रांस फैट ज्यादा हो या सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो, उससे अल्टीमेटली हार्ट को दिक्कत होती है, खून पंप करने में दिक्कत होती है, और ब्लॉकेजेस की वजह से प्री मेच्योर डेथ का खतरा बढ़ जाता है। ओके, सो द रिपोर्ट कॉल्ड काउंट डाउन टू 2023, जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंट डाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022। जो ट्रांस फैट के एलिमिनेशन की बात हुई थी वो 2022 था, अब उसको 2023 से काउंट डाउन पे ले गए हैं। इज एन एनुअल स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश बाय WHO, उसका नाम याद रखिएगा, ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इन कोलेबोरेशन विद रिजॉल्व टू सेव लाइव्स, ठीक है, जिंदगी को बचाने के लिए रिपोर्ट का ये थीम या फिर टारगेट रखा गया है। टू ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल ऑफ ट्रांस फैट एलिमिनेशन टू इन 2023। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ये खतरा मंडरा रहा है लोगों के ऊपर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको हाईलाइट कर रहा है, सो उसमें जो TFA का फुल फॉर्म है ट्रांस फैटी एसिड्स, तो आप ध्यान दीजिए इसे अधिकतर बेक्ड और फ्राइड खाने में होता है, और ये हार्ट डिजीजेस के लिए हार्मफुल है। ये WHO के सोर्स से ही ये पेज निकल के आया है। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होता है, जो एक एक तरीके का जो बॉडी में खून के संचरण को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको ब्लॉक करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो मैक्सिमम डेथ कॉज होती है, इसका जो बड़ा कारण है जिससे मृत्यु लोगों की हो जाती है। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनते हैं, जो ये इन सब चीजों को खाने के बाद हमारी बॉडी में कई तरह के कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होते हैं हमारे स्टमक में, जो खाने को पचाने और ना पचाने दोनों तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल को हम समझते हैं, पहला है LDL और दूसरा है SDL। LDL को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और SDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। सो अ सर्वे ऑफ स्ट्रीट फूड इज इन दिल्ली एंड हरियाणा फाउंड 25% ऑफ द स्नैक्स हैड हाई लेवल्स ऑफ TFA, और जिनमें TFA सबसे ज्यादा होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए के कॉज या रीजन माने जाते हैं, जिसमें कहते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के जो हमारे हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक करता है और हमारे लिए जान का खतरा बनता है। तो आप ये LDL और SDL को भी प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। नाउ ट्रांस फैट जिनकी बात हो रही है वो क्या है उनको देख लेते हैं। ट्रांस फैट ऑल्सो नोन एज पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स, जो हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में, जब हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है तो वो बन जाता है ट्रांस फैट।
और दिस प्रोसेस मेक्स अ फैट मोर सॉलिड, लेंथन इट्स शेल्फ लाइफ। और ये क्यों किया जाता है कि ताकि इसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव हो सके, जैसे चिप्स में हो गया, जो पैकेट फूड्स आते हैं, जो पैकेट के अंदर होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एंड फॉर फ्राइंग एंड अदर यूजेस, और फ्राई करने वाली चीजों के लिए भी इसका यूज होता है। तो जो तेल ट्रांसपेरेंट पे वो तेल आते हैं जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही जो पैक्ड फूड है उसमें सब में ट्रांसफैट है। However, trans fats are also more unhealthy than regular unsaturated fats. जो unsaturated fats होते हैं, समझेंगे उसको, उससे ज्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें क्या जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन का, इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो उसकी जो जो खराब जल्दी ना हो, और जो जो देर से चीज खराब हो रही है वो हमारे बॉडी के लिए भी कितनी हानिकारक होगी आप समझ सकते हैं। ना गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, जिनको कहते हैं एसडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ये क्या करते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी इनको कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू द बॉडी। ये बॉडी को जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बॉडी को वापस ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये हमारे बॉडी के पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ कंज्यूमिंग ट्रांस फैट लोअर द बॉडीज एसडीएल लेवल। और ट्रांस फैट खाने से जो हमारा पोटेंशियल है गुड कोलेस्ट्रॉल का, वो कम होता है। आप समझते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी हमारे दिल से, जो हमारे हार्ट से ब्लड को बाहर मूव ऑन करती हैं, वो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही खून को बाहर पंप आउट कर पाती हैं। पर जैसे हम ट्रांस फैट को खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाता है, और इनके इनके ट्रांसफर होने में, मूव होने में दिक्कत आती है। नाउ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट द बॉडी। As cholesterol builds up in the walls of the body, arteries become narrow and leading to an increased change of heart attack and stroke. और जैसे ही आपकी बॉडी में ये जो स्टोरेज है ट्रांसफैट का बढ़ जाता है, जो आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बढ़ जाता है, तो क्या होगा, खून का मूवमेंट बंद हो जाएगा और आपके लिए हार्ट अटैक की सिचुएशन बन जाती है। ये इसका मुख्य कारण है। तो एलडीएल को मत भूलिएगा क्या है, और साथ ही साथ एसडीएल को भी नहीं भूलना है ये क्या चीजें होती है। ठीक है, तो जब भी लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है ब्लड का, लिपिड प्रोफाइल में यही चीजें चेक की जाती है कि आपकी बॉडी में एसडीएल ज्यादा है कि एलडीएल ज्यादा है। ठीक है, नाउ इस चार्ट से समझते हैं कि एक्चुअली जो उन्होंने कहा था ना अनसैचुरेटेड तेल से खराब होता है, तो वो चीजें क्या है। सैचुरेशन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, तो हमेशा ही सारे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड चीजें खराब नहीं है, बट कुछ सूरतों में उनको कम किया जा सकता है। ध्यान दीजिए क्या क्या। सो सैचुरेटेड टाइप्स, जो फैटी एसिड्स की बात हो रही, फैटी का मतलब जो आपका वेट बढ़ाए, वो एसिड्स कौन कौन से है, सैचुरेटेड, ट्रांस, मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब तीन टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस। सो सैचुरेट का मतलब एक जगह क्लब कर जाना, ट्रांस का मतलब आर पार जैसे दिखता हो और काफी खतरनाक भी होते हैं ये। और साथ ही साथ जो फैटी एसिड्स है, जो अनसैचुरेट तो है लेकिन उनका खतरा कुछ कम है हमारी बॉडी के लिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज एक्सेस में जब कंज्यूम करेंगे, कोई भी तेल हो, कोई भी लिक्विड या फिर ऑयली चीज हो, जब ज्यादा बॉडी में जाएगी तो दिक्कत पैदा करेगी, लेकिन जो सैचुरेटेड और ट्रांस का इफेक्ट है वो इनका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला अनसैचुरेटेड वाला पार्ट है, ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है हार्ट डिजीज क्रिएट करने में, बट बाकी ये दोनों काफी पोटेंशियल और काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और कोकोनट ऑयल। जो जिनको टाइप्स अगर इतना डिटेल में नहीं आएगा कि इनके टाइप्स कैसे बिल्डअप होता है, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ये अगर आप डायरेक्ट ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये होगा। जो लेस देन 20 ग्राम होना चाहिए किसी भी फैट पर डे, मतलब अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं दिन में तो सिर्फ 20 ग्राम ही उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ ये आपकी एलडीएल और एसडीएल दोनों को बढ़ाता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। फिर ट्रांस पे आते हैं, ट्रांस इसमें होता है जैसे हमारे बटर हो गया, और जैसे हम चिकनी चीजें खाते हैं या फिर आप किसी भी तरीके का बटर है या क्रीम लेते हैं उसमें होता है, क्रीम पेस्ट्री पेस्ट्रीज में होता है, चिकन पाई में होता है। सो इसकी कुछ टाइप्स हैं और भी टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल में, तो ये जो है हार्ट डिजीज को बढ़ाने का काम करता है। और 2000 कैलोरीज अगर आप दिन भर में ले रहे हैं तो 2.2 ग्राम ये ट्रांस फैट उसमें पर डे का होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपकी एलडीएल और एसडीएल को बढ़ाता है, और ये रिस्क जो स्ट्रोक का रिस्क है उसको बढ़ाता है, डायबिटीज को भी बढ़ाता है अगर आपकी बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा है, मतलब चिप्स ज्यादा, जो पैकेट चीजें अगर हम ज्यादा खाते हैं तो डायबिटीज और रिस्क जो जो हार्ट हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो आपकी बॉडी में बढ़ता है।
नाउ अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो टूटते हैं, जो इकट्ठे होने या टूट जाते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब है वो वाले फैटी एसिड्स जो बन के टूट जाते हैं। और आप जितनी जल्दी जो एसिड आप जो ट्रांस ये सॉरी जो एसिड होगा जितनी जल्दी आपकी बॉडी में ब्रेक होगा उतनी जल्दी पच जाएगा। और ये जो जो दोनों ट्रांस और सैचुरेशन की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि टूटते देर से हैं और आपकी बॉडी को पचा नहीं पाती है। सो मोनो सैचुरेटेड टाइप है, मोनो और पॉलीज का टाइप है जिसमें आते हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकेडो। आपको कि ये खराब है, अगर इनका ज्यादा परसेंटेज आप लोगे तो ये भी खराब है, पर फिर भी इनका जो रिस्क है वो मॉडरेट है। ये भी एलडीएल और एसडीएल बनाते हैं पर इनका हार्ट डिजीज इन्फेक्शन जो रेट है हार्ट डिजीज क्रिएट करने का वो कम है, मॉडरेट है। और साथ ही साथ इसमें जो आपके सैल्मन, ट्यूना, फ्लैक्स सीड्स जो हमें खाते हैं, ये सब हमारी बॉडी को चाहिए ना, इनसे हमको प्रोटीन मिलता है, इनसे हमको ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है। तो अगर हम बिल्कुल खाना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी ग्रो अप नहीं कर पाएगी, तो उस केस में हमको चाहिए। तो लेकिन अगर ये खाते हैं तो हमें मॉडरेट रिस्क रहता है बॉडी को, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो हमारी बॉडी में प्रॉपर बना रहता है जिससे हमारा हार्ट डिजीज कम होती है। अगर हम कॉर्न ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, नट्स खाते हैं तो हमें बॉडी में ऑयल भी पहुंच रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है और एंटी इन्फ्लेमेशन का खतरा भी सॉरी जो एंटी इन्फ्लेमेशन का ये काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप अनसैचुरेटेड ऑयल्स को ले सकते हैं एक लेवल तक। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, एवोकाडो ये सब जो है हम ले सकते हैं, हाँ एक लिमिट तक ले सकते हैं, उनका रिस्क फैक्टर मॉडरेट है, तो प्री के लेवल से पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारा हार्ट है उसमें जो हमारी आर्ट्रियम होती है, जो कोई भी आप लेफ्ट और राइट आर्टरी लीजिए जहां पे, तो वो हमारी बॉडी बॉडी से या सॉरी हमारे हार्ट से जो आर्टरीज होती है उनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी से जो खून को बाहर लेकर के आना, जो खून जो पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है वो ब्लड को फ्लो करती है बाहर। तो दो 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 आस्पेक्ट है, आर्टरीज और वेन्स। वेन्स क्या करती है, हमारी बॉडी से कैरी ब्लड टू द हार्ट, खून जो हमारा खून बॉडी में खून है उसको हार्ट तक लेके जाती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को बाहर लेकर के जाती हैं हार्ट से। तो ये पंपिंग का काम करती है। तो आर्टरीज का काम है खून को बाहर ले जाना और वेन्स का काम है खून को अंदर ले जाना, उसे क्लीन करना। तो नॉर्मली इसका जो कलर होता है ब्राइट रेड होता है और जो वेन्स होता है उनका कलर डार्क रेड होता है। तो एक क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है अगर डीप में वो जाते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क है, आर्टरीज का क्या काम है, तो आप बता सकते हो। साथ ही साथ इसमें कोई वॉल्स नहीं होते हैं, नो वॉल्स, और इसमें वेन्स में वॉल्स होते हैं और कैन फील अ पल्स, हम आर्टरीज की पल्स को समझ सकते हैं। और वेन्स में कोई पल्स नहीं होती, तो पल्स चेक होती है वो आर्टरीज में होती है। और इलास्टिक वॉल्स होती है दैट एक्सपैंड विद सर्ज ऑफ ब्लड। सो एक्चुअली इन आर्टरीज में ही ध्यान दीजिएगा, जब इन आर्टरीज में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं एलडी और एसडीएल की वजह से, एसडीएल तो अच्छा है, एलडीएल की वजह से जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो ये खून आपके दिल तक नहीं ले जा पाती और जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नाउ अब वो कह रहे हैं कि जो ये चीजें हो रही हैं उसको डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 2018 से ही हम इस ग्लोबल एलिमिनेशन पे काम कर रहे हैं और उसका टारगेट 2023 कर दिया गया है। पर इंडिया भी इसमें स्टेप उठा रहा है, पर फिर भी बहुत सारे जो अभी एक्सपोजर, कम से कम 5 मिलियन लोग अभी भी रिस्क पे हैं जो ट्रांस फैट के बढ़ते हुए एक्सपोजर की वजह से उनको खतरा बना है और बनता जा रहा है। पर क्योंकि देश अभी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, शुरू कर दिया, इंडिया भी उसमें से एक आता है, तो उस केस में चीजें बनने में समय लगेगा, पर हर साल का टारगेट वो तय कर रहे हैं इसको अच्छी इसको हटाने में, राइट। सो अब समझते हैं, थोड़ा ये भी सवाल समझने वाला है कि हमारे लिए बेटर क्या है। तो ध्यान देने वाली बात है कि मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है, जो नट्स में होते हैं जैसे हमने समझा, वेजिटेबल ऑयल्स है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाले जो रिच फूड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो हमारे हार्ट डिजीज रिस्क को कम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी था कि जिसमें आपके सैल्मन, ट्यूना, फ्लैक्सीज, नट्स, सनफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, अगर ये आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के जो जो स्ट्रोक का परसेंटेज है वो कम है। लेकिन अगर आप फैटी चीजें खाएंगे तो इससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ क्या हमें करना चाहिए, डब्ल्यूएचओ कहता है कि दो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि पहला आप नेशनल लिमिट बना दीजिए 2 ग्राम ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट पर 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम पे हम 2 ग्राम ट्रांस फैट का लिमिटेशन लगा दें तो इससे हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। मतलब 100 ग्राम पे 2 ग्राम ट्रांस फैट आप बॉडी में ले सकते हैं, इतना हार्म नहीं करेगा। और साथ ही साथ मैंडेटरी नेशनल बैन ऑन द प्रोडक्शन और यूज ऑफ द पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स, इन पे हमें बैन लगाना चाहिए। अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट एज एन इंग्रेडिएंट इन ऑल फूड्स। ध्यान दीजिएगा जितने भी ये जो तेल जिनमें हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स आते हैं,
जो रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, सनफ्लावर की बात नहीं हो रही है, जो हमारा जिसमें स्पेशली जो ये फॉर्च्यून ऑयल वगैरह जिनके नाम आते हैं, जो हमारे स्पेशली स्पेसिफिकली जो जो रिफाइंड का नाम आता है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो जितना ज्यादा हम उसे कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हमारे हमें हार्ट स्ट्रोक का खतरा बनता रहेगा। तो ये था पहला आर्टिकल। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे कि जो हमारी स्मृति ईरानी है उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे जेंडर गैप रिपोर्ट जो WEO मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है उसमें कुछ चेंज करने के लिए उन्होंने कहा जिससे हमारी जो रेटिंग है वर्ल्ड लेवल पे वो सही हो सकती है। सो देर आर 1.4 मिलियन विमेन इन इंडियन पंचायत सिस्टम हुज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन विल नाउ बी इन्यूमरेटेड, मतलब जो पंचायती सिस्टम में जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है वो काउंट नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से रिपोर्ट में कुछ मतलब हम स्मृति ईरानी कहना चाह रही है कि कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए जिससे हमारी रिपोर्ट बेटर हो सकती थी और अब से पंचायत सिस्टम में जो महिलाएं हैं उनके नंबर्स भी काउंट होंगे तो इससे नंबर बेटर होने की गुंजाइश है। वो क्या है कि डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम विल टेक इनटू अकाउंट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द पंचायत लेवल टू रैंक कंट्रीज। अब कंट्रीज को रैंक करने में पंचायत लेवल पे जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है या उनका सिलेक्शन है वो भी काउंट होगा जिससे जेंडर गैप रिपोर्ट में सुधार आएगा ऐसा माना जा रहा है। और इस सवाल को यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने उठाया था दावोस में, तो उन्होंने इस बात को कंसिडर किया है। उन्होंने कहा था कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से रैंकिंग सिस्टम गड़बड़ा रही है या रैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं है और इसको अब कंसिडर किया जाएगा। नाउ अब समझने वाली बात यह है कि टू कम्प्लीटली इग्नोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट द पंचायत लेवल, वो कह रही उनका कहना था कि हमारे पंचायती लेवल पे महिलाओं का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, इस वजह से हमारे नंबर्स भी इंटरनेशनल लेवल पे खराब है और उन्होंने अब WEF ने इसको माना है तो ये हमारे लिए विक्ट्री है और आगे नंबर्स सुधरेंगे। न समझने वाली बात क्या है कि अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन के लेवल्स को ही कंसिडर करता है जिसमें से विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वो किस सूरत में लेता है कि उनके नंबर हो यूनियन कैबिनेट में, मेंबर्स हो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में, इवन देन वो MLAs को और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इवन देन दे डोंट इवन कंसिडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, MLAs एंड स्टेट मिनिस्टर को वो काउंट करते ही नहीं है, चाहे महिलाएं उसमें हो भी तब भी वो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए से क्योंकि हमारा जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उन्होंने कहा कि आप पंचायत लेवल तक की महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट करिए तो अब से वो होगा और पंचायत पुश की वजह से हमारे नंबर सुधरने की उम्मीद है क्योंकि हमारा जो 2022 की रैंकिंग है वो 135वीं है वर्ल्ड के लेवल पे, जो जो जिसमें हम श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं और इस वजह से इस बात को दावोस में उठाया गया था। नाउ अभी तक का जो हमारा रिजर्वेशन बिल कहता है कि महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन 33% तक है यानी एक तिहाई, मतलब अब इज अ बिल पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा इन इन एंड इन ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड साथ ही साथ जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें भी वही कॉन्ट्रीब्यूशन महिलाओं का रखा गया है। समझने वाली बात यह है कि ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन है पर अब से वो काउंट भी होगा। द वायर की एक आर्टिकल है 2020 का, उसमें बताया गया था कि जो चुनाव हुए उस साल उसमें 543 सीटों में से 48 वुमेन महिलाएं थी लोकसभा में जो पहले कभी नहीं हुआ, और राज्यसभा में 245 सीटों में से 25 सीटें महिलाओं को मिली थी जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब 2020 का डेटा है द वायर का। फिर भी अगर हम समझें तो महिलाओं का नंबर काफी कम है पर फिर भी सुधार हमने देखा है, तो पार्लियामेंट के नंबर्स हो गए। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये टाइम्स ऑफ इंडिया 2017 का आर्टिकल है वो कहता है कि जजेस का नंबर भी हमारे देश में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कितना है महिलाओं का, जो जजेस हैं हमारे देश में, तो आप देखिए बिहार में 1002 पे 99 हैं और साथ ही साथ यहाँ यूपी में 1700 में से 376 है, मतलब कितना ज्यादा कम परसेंटेज है जजेस के मामले में। तो अगर इनको भी काउंट करें तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूशन महिलाओं के नंबर का है। टोटल लें अगर तो 16,000 के लमसम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस हैं और उनमें से 4,000 के लमसम, उसका आधा भी नहीं है, और परसेंटेज कितना है 28.6% ही हमारा जजेस है मतलब पूरे पूरे भारत में अगर नंबर लें तो ये भी अपने आप में काफी सांत्वनापूर्ण नंबर नहीं है। अच्छा टोटल रिपोर्ट में अगर देखें 2022 में टॉप 10 कंट्रीज में आप जानते हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यहाँ के देश हमेशा आते हैं, इसमें हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर 135वां है 222 की रिपोर्ट के हिसाब से। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है जिन टाइप्स को जिन
कैरेक्टर्स को या फिर पॉइंटर्स को हाईलाइट किया जाता है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ये सारी चीजें याद रखिएगा, प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट है. सो ये पूरी रिपोर्ट जो मैं ये रिपोर्ट मतलब जो 2022 की जो रिपोर्ट है प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट है. और जो ये कहा जो बात स्मृति ईरानी ने उठाई है ये हमारे मेंस के पर्पज इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज में, और उसको कुछ हद तक आप GS2 में भी यूज कर GS3 में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में है कि इस बार दिसंबर 22 के डेटा के हिसाब से हमारा जो नंबर है वो कम हुआ है पार्टिसिपेटरी नोट्स का. अब वो समझते हैं कि एक्चुअली है ये है क्या. सो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इनका मतलब होता है ऑफशोर का मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से ये पैसा हमारे देश में लगाते हैं और रजिस्टर होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से. ठीक है, तो इनको रजिस्टर किया जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से, और ये प्रॉमिसरी नोट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो FPI के अंदर रजिस्टर होता है. और इससे क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट हैव इंडियन स्टॉक एज द अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब ये जो परचेज करते हैं जिनमें पैसा लगाते हैं उससे इंडिया को पैसा मिलता है, हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज में एनहांसमेंट होता है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है. FPI या नॉन रेजिडेंट्स, ये नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे. तो FPI क्या है, ये नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट है और प्रॉमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है जिससे वो पैसा यहाँ पर लगाते हैं. और प्रॉमिसरी नोट दे हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस बाय सेबी. पहले ऐसा होता था कि प्रॉमिसरी नोट को रजिस्टर नहीं माना जाता था, इसको जिसको एक तरीके का बाईपास माना जाता था, लेकिन बाद में इसके नियम आ गए और वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाध्य है. नाउ डिक्लाइन क्यों हो रहा है प्रॉमिसरी नोट्स में, समझने वाली बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ देश के इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पैसा यहां से निकाल करके अपने देश या किसी और देश में लगाते हैं एज पर US फेड रिजर्व, मतलब जो US का सेंट्रल रिजर्व है या सेंट्रल बैंक कह लीजिए, जब वहां परसेंटेज बढ़ जाते हैं तो इंडिया से पैसा निकाल के वो वहां लगा देते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है उसके पैसा पैसा ग्रो करे. सो उसको देखते हुए कभी कभी इन्फ्लेशन के चलते परसेंटेज इंटरेस्ट रेट के बढ़ते या फिर जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल सिचुएशन है उनको देखते हुए पैसा निकालते हैं लोग और वहां वहां इन्वेस्ट करते हैं. साथ ही साथ करेंसी करेक्शन की वजह से भी कभी कभी करेंसी करेक्शन मतलब जैसे कि डॉलर का प्राइस कम हो गया और कभी कभी इंडियन प्राइस ऊपर चला गया, तो कभी कभी प्राइस करेक्शन की वजह से भी इनके खरीद फरोख्त में कमी आती है और डेटा में भी कमी आती है. तो ये दो चीजें हो गई समझने वाली. नाउ अब नेक्स्ट न्यूज है इम्यून इम्प्रिंटिंग की. कहा जा रहा है कि इम्यून इम्प्रिंटिंग की वजह से कभी कभी हमारा शरीर एक तरीके की लेयर क्रिएट करता है अपने आसपास जिससे कि जो बाइवेलेंट बूस्टर्स हैं वो काम नहीं करते. अब उसको समझते हैं एक्चुअली क्या बात हो रही है. ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव रियलाइज दैट इम्प्रिंटिंग एक्ट्स एज अ डेटाबेस फॉर इम्यून सिस्टम हेल्पिंग टू इट पुट अप अ बेटर रिस्पॉन्स टू रिपीटिंग इन्फेक्शंस. इसको इस हेडलाइन को इस आर्टिकल के बाद दोबारा समझेंगे. ना वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में यूके और यूएस के देशों ने जब उनके जो सिटीजन्स को वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर लगाया है. सो जो बाइवेलेंट बूस्टर कहते हैं वेरिएंट स्पेसिफिक, मतलब जैसा वेरिएंट हो वैसे इसको दवा दी जाए. जब उन्होंने बूस्टर लगाया तो उन्होंने पाया दैट दे वुड प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन. उन्होंने सोचा कि इससे प्रोटेक्शन ज्यादा होगी वायरस में, पर ऐसा नहीं हुआ. अ स्लू ऑफ रिसेंट स्टडीज हैज शोन दैट अ फिनोमेना इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इम्यून इम्प्रिंटिंग माइट बी मेकिंग दीज न्यू बूस्टर्स फार लेस इफेक्टिव देन एक्सपेक्टेड. मतलब हमारी बॉडी एक तरह की वैक्सीन को लेने के बाद एक तरीके का हर्डल क्रिएट करती है उसी वायरस के अगेंस्ट. मतलब आप दोबारा जब उसको दोबारा और एंटीबॉडीज दोगे या एंटीजन दोगे ठीक करने के लिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. और इसीलिए बाइवेलेंट बूस्टर लगाने के बाद भी वहां के लोगों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी में एक तरह की लेयर क्रिएट हो गई और बाद के वैक्सीनेशन से उनको कोई फायदा नहीं हुआ. ये क्या है. सो दो पेपर पब्लिश हुए हैं अभी तक जनवरी में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जिसमें कहा गया है कि बाइवेलेंट बूस्टर्स मेड टू काउंटर बोथ द ओमिक्रॉन स्ट्रेन एंड ओरिजिनल COVID-19 स्ट्रेन डोंट जनरेट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देन एडिशनल डोज ऑफ ओरिजिनल mRNA वैक्सीन. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो पहले वाला बूस्टर था उसने बॉडी में एक प्रोटेक्शन बना दिया और उस प्रोटेक्शन के बनाने के बाद उस वायरस दोबारा जब हमने उसको दोबारा वैक्सीन दी तो उसने उतना काम नहीं किया. इसे कहते हैं इम्यून इम्प्रिंटिंग.
ठीक है. नाउ द ऑब्जर्व इन इफेक्टिवनेस ऑफ द बाइवेलेंट और वेरिएंट बूस्टर स्पेसिफिक बूस्टर्स माइट बी ड्यू टू इम्यून इम्प्रिंटिंग. उन्होंने कहा कि इस घटना की वजह से जो दोबारा दी हुई वैक्सीन है वो काम नहीं करी, तो वो हमारे देश में भी तो हो सकता है, इसीलिए आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है. नाउ इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है? इम्यून इम्प्रिंटिंग इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरियंट इट इनकाउंटर्ड. मतलब उसकी जो टेंडेंसी है बॉडी की कि जब आप किसी वैक्सीन को उसको तक पहुंचाते हैं तो वो एक तरीके का इम्यून सिस्टम में उसको इवॉल्व कर लेती है, आगे बढ़ा लेती है, उसको एक्सप्रेड कर देती है. और जब दोबारा उसके ऊपर उसी वायरस का अटैक होगा तो वो उसके खिलाफ लड़ेगी. ये कहने का मतलब है, मतलब एक वैक्सीन देने के बाद आपको दोबारा उसी वायरस के लिए बार बार वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है. थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन वेर इट कम्स अक्रॉस अ न्यूअर और स्लाइटली डिफरेंट वेरियंट ऑफ द सेम पैथोजन. ध्यान दीजिएगा. सो इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरियंट इट एनकाउंटर. जिसको मैंने पहली बार जिस वायरस को देखा था उसके उसको ही रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसी बॉडी बना लेती है, उसे कहते हैं इम्यून इम्प्रिंटिंग. थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जो जो आप इन्फेक्शन कहो या वैक्सीनेशन के माध्यम से कहो, एक इम्प्रिंटिंग हो गई बॉडी में. व्हेन इट कम्स अक्रॉस अ न्यूअर और स्लाइटली डिफरेंट वेरियंट ऑफ द सेम पैथोजन, तो जो दोबारा जो पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा, इन्फेक्शन आएगा, तो वो क्या करेगी, इट कम्स अक्रॉस अ न्यूअर और स्लाइटली डिफरेंट वेरियंट की तरह वो काम करेगी. और जो नया वायरस आपकी बॉडी में आएगा उसको एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी पुरानी इम्यून सिस्टम से आपसे उसको लड़ने की कोशिश करेगी. हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, ठीक है. सो आप देखिए, ध्यान दीजिए कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ कि जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज गई, जो आपके बॉडी में हमने एजेंट क्रिएट किया, और जो स्ट्रांग इम्यूनिटी बन गई, मतलब जैसी बॉडी में वैक्सीनेशन हुआ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई. और जब बाद में आपकी बॉडी में जैसे ही इन्फेक्शन आएगा तो वो रिस्पॉन्स करेगी अपने सेम पैथोजन के हिसाब से जो पहले वो अपने बॉडी में एक्सपीरियंस कर चुकी है. इसे कहते हैं इम्यून इम्प्रिंटिंग. और इसी वजह से जब दोबारा उनको एंटीबॉडीज दी जाती हैं या फिर वैक्सीन दी जाती है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता. अच्छा, पैथोजेंस क्या होते हैं? अ पैथोजन इज एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज डिजीज और इलनेस इन अ होस्ट. ध्यान दीजिएगा, पैथोजन का मतलब है जो वो जर्म्स होते हैं जो बॉडी में डिजीज इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं. ये होस्ट होते हैं एक तरीके के ऑर्गेनिज्म इन विच अ पैरासाइट और पैथोजन डज डैमेज. ये द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म इन विच अ पैरासाइट और पैथोजन डज डैमेज. सो इसका मतलब क्या है कि एक पाथ, एक रास्ता, और जो ऑर्गन मतलब मीन्स गिव बर्थ, एक रास्ता जहां पे जन्म हो रहा है किसका, वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, प्रोटीन, मतलब जो इस तरह के डिजीजेज या फिर संक्रमण होते हैं, पैथोजन ही एक माध्यम, एक रास्ता है जो इन सब चीजों को क्रिएट करने का काम करता है. तो सारी चीजें प्री के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है. इम्यून इम्प्रिंटिंग तो है ही, इसका डेफिनेशन और इसकी डिटेल में आप जितने चाहे उतने नोट्स बना लीजिए, प्री में पूछा जा सकता है. नाउ ये जो घटना है 1947 से पहली बार डिटेक्ट की गई थी, और उसके बाद जब ये फ्लू फैला था 1947 में, तब इसको कहा जाता था, एक नाम था ओरिजिनल एंटीजेनिक सिन कहा गया, पर बाद में इसका नाम इम्प्रिंटिंग पड़ गया. और आफ्टर तो कह रहे हैं कि सालों में साइंटिस्ट हैव रियलाइज दैट इम्प्रिंटिंग एक्ट एज अ डेटाबेस फॉर इम्यून सिस्टम. और ये एक डेटाबेस की तरह भी काम करती है इम्प्रिंटिंग. एंड आफ्टर आवर बॉडी इज एक्सपोज टू अ वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस मेमोरी बी सेल्स that circulate in the bloodstream and quickly produce antibodies whenever the same strain of the virus infects again. और जैसे ही बॉडी में दोबारा से उसी सेम वायरस का अटैक होगा तो वो एंटीबॉडीज को क्रिएट कर लेती है. तो एक तरीके की बॉडी में मेमोरी बना लेती है अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ, और जो दुश्मन दोबारा अटैक करता है तो उसके खिलाफ लड़ती है. ये बॉडी की, हमारी बॉडी का खास फीचर कह सकते हैं आप. तो ये जो मेमोरी बी क्रिएट हो रही है इसे कहते हैं इम्प्रिंटिंग. तो समझ में आया कि इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है. अब आर्टिकल को दोबारा पढ़ते हैं कि ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव रियलाइज दैट इम्प्रिंटिंग एक्ट्स एज अ डेटाबेस. ये हमारे डेटाबेस का काम करता है फॉर द इम्यून सिस्टम, हेल्पिंग इट पुट अप अ बेटर रिस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन. ये हमारे प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है. सो ये थे हमारे आज की आर्टिकल. आई होप ये आपको पसंद आए होंगे. इफ यू रियली लाइक इट अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन, दिस इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, गिव मी अ बिग थम्स अप, स्प्रेड विद योर फ्रेंड्स, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डीएनए में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.